Assalamualaikum and welcome everyone. My name is Daniel Hayat. Today we are having the second webinar of Meet the Leaders of SECOS University. ये webinar series का जो हमारा focus है वो यही है कि चूंकि आजकल admissions वगैरह जा रही हैं, students जो है मुख्तलिफ universities को देख रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से फील्ड ऑफ एजुकेशन को चूज करना चाहिए, यानी कि उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है. तो हमारे जो है आज हमारे पास काफी वी हैव ब्रिलियंट एलुमनाई ऑफ SECOS यूनिवर्सिटी हु हैव मेड इट, हु आर हैविंग गुड पोजीशंस इन द मार्केट. द फर्स्ट स्पीकर दैट वी हैव इज डॉक्टर मोहम्मद शिराज साहब. डॉक्टर शिराज इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट द फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इस्लामाबाद. एंड द सेकेंड स्पीकर दैट वी हैव इज जाबिर अली खान साहब. Jabir is the branch manager at the Faisal Bank Limited in Kohat. So both of these speakers are very successful in their own field. So aaj ye hamari thodi si jo students hain, prospective students hain, unki guidance karenge ki aapko kaun sa field choose karna chahiye aur kyu karna chahiye. So with this I would like to go toward our first speaker, Dr. Shiraz saab. Kindly tell us ki jo bhi field of education has students ko वो कैसे चूज करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए. काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि मेरा पैशन कुछ और है और मैं डिग्री कुछ और करना चाह रहा हूँ, मतलब कोई साफ रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा होता. मतलब आपने अक्सर देखा होगा अक्सर लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो CSS में जाना चाह रहे हैं, या जो है मतलब कंप्लीटली एजुकेशन किसी और में हासिल कर ली, फील्ड कोई और चूज कर ली. क्या ये सही अप्रोच है? अगर तो है तो कैसे इसको आगे मजीद इस पे कैसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर तो नहीं है तो आप काइंडली शेयर करें कि सही अप्रोच क्या है फील्ड ऑफ एजुकेशन चूज करने में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दानियाल हयात साहब आपका शुक्रिया कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे आपने मौका दिया है. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शिराज है. मैं SECOS यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से पास आउट हुआ हूँ 2004 में, और 2013 में मैंने मलेशिया से PhD की है कंप्यूटर साइंसेज में. करेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस फेडरल यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ. तो दानियाल हयात साहब आपने क्वेश्चन किया कि स्टूडेंट को अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए, स्पेसिफिकली जब वो हायर सेकेंडरी स्कूल से फारिग होते हैं. तो ये एक बड़ा मुश्किल डिसीजन वाकई होता है कि किस फील्ड को चूज किया जाए और जिस फील्ड में स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं क्या वाकई वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा भी या नहीं. बिकॉज हम कल्चरली और इकोनॉमिकली जिस पोजीशन में लाई कर रहे हैं तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा एजुकेशन का यही होता है कि हम पढ़ लिख के किसी अच्छी नौकरी को हासिल कर सके और एक प्रेस्टीजियस पोजीशन पे जो है ना सर्व करके अपने नेशन को हम खिदमत कर सके. तो देखिए हम बेसिकली तो ये बात समझ में आती है कि हायर सेकेंडरी पास करने के बाद दो ही बड़े फील्ड नजर आते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल. इंजीनियरिंग में कोई जाता है तो बड़ा खुशनसीब समझता है, मेडिकल में जाता है तो बड़ा खुशनसीब समझता है, जो रह जाते हैं वो बड़े मायूसी का शिकार हो जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. आज की दुनिया जो है ना वो बड़ी डाइवर्सिफाइड है और काफी सारे और अल्टरनेटिव जो है ना एग्जिस्ट करते हैं जिसको चूज करके स्टूडेंट कामयाबी के सफर को जो है ना वो तय कर सकते हैं. तो सबसे पहली जो चीज है अपने लिए फ्यूचर की फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए वो तो ये है कि स्टूडेंट या जो है ना वो अपने स्किल्स को देखे किस चीज में वो कंफर्टेबल फील करता है. अगर कोई फील्ड इम्पोज किया जाए किसी स्टूडेंट पे तो उसमें आगे बढ़ना और उसमें फिर सक्सेस को हासिल करना वो दुश्वार होता है. फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसको मैथमेटिक्स के स्किल्स जिसके बहुत अच्छे हैं, वो मैथमेटिक्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पसंद करता है और अपनी स्ट्रेंथ महसूस करता है कि भाई मैं मैथमेटिक्स में खुद को कंफर्टेबली फील करता हूँ, तो उसके लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो फील्ड्स है दीज आर द बेटर ऑप्शंस. ठीक है, वो
चाहे किसी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जाता है, वो कंप्यूटिंग डिसिप्लिन में आता है, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन को वो अडॉप्ट करे तो उसमें उसके लिए सर्वाइव करना दुश्वार नहीं। एक स्टूडेंट है जो कि अपने आप को फाइनेंस के एतबार से खुद को उसकी जो जो स्किल्स है और उसकी जो एक्सपर्टीज है वो समझता है कि भाई मुझे जो है ना मैथ अच्छा नहीं लगता, मुझे नेचर को स्टडी करना जो है ना इतना इम्प्रेस नहीं करता, बल्कि वो जो उसके स्किल्स होते हैं वो फाइन आर्ट से ज्यादा रेलिवेंट होती है। वैसे स्टूडेंट को अगर आप साइंस डिसिप्लिन में लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो स्ट्रगल करेगा। एक स्टूडेंट है वो समझता है कि भाई मेरी इंटरेस्ट तो है वो तो बायोलॉजिकल साइंसेज है, मैं तो ह्यूमन जो है ना को पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो बायोलॉजी से रेलिवेंट जितनी भी चीजें हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट से मुझे देती हैं, तो डेफिनेटली उसको उसमें करना चाहिए। लेकिन हम जो कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि बेसिकली वी आर लर्निंग फॉर अर्निंग, हमने वो कुछ पढ़ना है, हमारे पेरेंट्स ने किसी ऐसे पर्सपेक्टिव में हम पे किसी ऐसे फील्ड में इन्वेस्ट करना है कि जहाँ पे हम एक बेटर अल्टरनेट दे सके। तो हम इमर्जिंग ट्रेंड्स को देखते हुए भी अपनी बाज़ दफा खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड को देखें तो टेक्नोलॉजी में काफी वैरायटी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है। अब इसमें आने में अगर थोड़ी बहुत दुश्वारी भी करनी पड़े, लेकिन उसमें अगर रास्ता नजर आता है और ये महसूस किया जाए कि भाई इसमें फ्यूचर है, जो कि वाकई आजकल के दौर में है, कंप्यूटिंग खासतौर पे एक स्टिल एक इमर्जिंग डोमेन है और अभी तक जितना हुआ है इट्स स्टिल नॉट एट इट्स मैच्योरिटी, अभी भी बहुत गुंजाइश एग्जिस्ट करता है इसमें। तो अगर थोड़ी बहुत एफर्ट के साथ अपना फ्लेवर चेंज करना पड़े तो उसकी तरफ भी जाना चाहिए, मतलब नो पेन नो गेन। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी भी डोमेन में एक्सेल करते हैं, किसी भी डोमेन में आगे जाना चाहते हैं तो आपको एफर्ट तो करना पड़ता है। एप्रोप्रिएट काउंसलिंग ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, किसी भी डिसिप्लिन में दाखिला लेने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से, किसी एजुकेशनिस्ट से राय लेनी चाहिए ताकि कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट किया जा सके जो कि बाकी स्टूडेंट को फायदा दे सके। तो मैं अगर कंक्लूड करूँ अपनी डिस्कशन को तो इस तरह से होगी कि अपनी इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट को देखते हुए डिसाइड करे, लेकिन अगर थोड़े बहुत इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज करना पड़े फॉर द बेटर फ्यूचर तो स्टूडेंट शुड गो फॉर दैट, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल जो है ना वो डाइवर्ट करना पड़े और स्टूडेंट फील करता है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसमें फेस करनी पड़ेगी, फिर ऐसे डिसीजन की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। बिकॉज हायर एजुकेशन जो है इसमें वालिदैन की जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, इसमें जबरदस्ती और जबर से पढ़ाई स्टूडेंट से नहीं की जा सकती। इट्स ऑल द गेम ऑफ इंटरेस्ट, स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से कितना आगे बढ़ता है। अगर वो एंथुजियास्टिक है, स्टूडेंट का अपना पैशंस है और अपनी जील से वो आगे बढ़ना चाहता है, इसके लिए जरूरी है कि वो कोई ऐसा डोमेन चूज करे जिसका पढ़ना उसके लिए जो है ना इंटरेस्टिंग हो और जिसमें आगे बढ़ना स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव में से शामिल हो, और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए दाखिला ना ले। बिकॉज एनी डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, डिग्री जो है ना वो एक कागज का टुकड़ा है, डिग्री से कुछ नहीं बनता। What makes you different from others is your skills, your interest. और आप अच्छे skills, अच्छी expertise तब हासिल कर सकते हैं जब अपने interest के field में आपने जो है ना commitment के साथ पढ़ा। ठीक, तो डॉक्टर शिराज साहब ने जैसे कहा कि नए students को अपने passion को देखना चाहिए, interest को देखना चाहिए, क्योंकि जिस field में शौक होगा उसी field में आप आगे बढ़ेंगे। अब अगर आपका medical से शौक है और आप कर रहे हैं electronic engineering तो कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस जबरदस्त जो आपने इनसाइट हमें दी डॉक्टर साहब। अब इसी पे बिल्ड करते हुए जाबिर, मैं आपकी तरफ थोड़ा सा आऊंगा। आप काइंडली थोड़ा सा हमें यहाँ पे ये बताइएगा कि एक तो कन्वेंशनल एजुकेशन होती है, मतलब स्टूडेंट जो है क्लासरूम में आता है वही सब्जेक्ट पढ़ता है, जो एक आपका कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम होता है वो एजुकेशन स्टूडेंट हासिल करता है। एक होता है नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, यानी कि जो लाइफ स्किल्स होते हैं
जो मतलब कि लोगों से डीलिंग कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपने आपको प्रेजेंट कैसे करना है, जो बात दिमाग में है वो आगे को डिलीवर कैसे करना है, ये मैनेजमेंट के स्किल्स हो गए। आप काइंडली थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जो नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है वो स्किल्स एज कम्पेयर टू जो आपकी कन्वेंशनल एजुकेशन जो स्किल्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच दानियाल, आपने हमें मौका दिया। कन्वेंशनल स्किल्स तो आपको एक प्रोफेशनल करियर में लाने के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपके पास कन्वेंशनल स्किल्स, यानी आपने कहा डिग्रीज एंड जो आपकी क्लासेस अटेंड की हो, डिग्रीज ली हो, उसके बगैर तो आप किसी प्रोफेशनल करियर में आ ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपके पास नॉन कन्वेंशनल है भी तो यू आर अनेबल टू इंटर अ करियर, अ प्रोफेशनल करियर। बट आप एक दफा आ गए प्रोफेशनल करियर में ऑन द बेसिस ऑफ यूर कन्वेंशनल एजुकेशन, जो कन्वेंशनल स्किल्स हैं आपके पास, फिर उसको अगर नॉन कन्वेंशनल नहीं है आपके पास, आप मतलब अगर आपका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है आपके पास, गॉड गिफ्टेड भी होती है एक्चुअली, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप उसको बिल्कुल नहीं चला सकते। आजकल जितने भी जॉब्स है या जितने भी अक्सर करियर्स टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, तो वही बात आ गई, अगर आप में वो कन्वेंशनल स्किल्स नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस पे हम बात कर रहे हैं, तो आप होंगे मैनेजरियल पोजीशन पर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूर कन्वेंशनल, लेकिन आप सॉरी अनकन्वेंशनल की बात कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल के बेस पर आप मैनेजरियल पोजिशन पर आ तो जाएंगे, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करना और उसमें सक्सेसफुल होना वो इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। आपके फेलियर का सामना करे चैलेंजेस होंगे, और उसमें अगर आपके पास वो अनकन्वेंशनल स्किल्स नहीं है तो आप अपने कैरियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप एक अच्छी पोजीशन पर आगे नहीं बढ़ सकते। और जाबिर आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। अब सही है जी। हेलो जी, अब आवाज आ रही है। अच्छा, तो अनकन्वेंशनल स्किल्स मतलब इट्स द बेसिक फॉर योर सक्सेस। आप तो कन्वेंशनल के बेस पर तो आप मैनेजरियल पोजीशन पर आ जाएंगे, अपने कैरियर में आप एंटर हो जाएंगे जो आपके डिजायर्ड है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि we are learning for earning, so do not learn for earning, apne aap mein wo managerial skills aap jo god gifted hai usko polish kare mere ye aur uske base par aap jo hai ek successful entrepreneur ban sakte hain। Sahi hai, so thank you very much for this insight Jabir, ke I think aap jo keh rahe hain bilkul ye sahi is perspective se bhi hai कि आप बेशक आप टेक्निकल डिग्री आपकी है या आपकी नॉन टेक्निकल डिग्री है, एक सीनियोरिटी पे जब आप किसी प्रोफेशनल फील्ड पे पहुंचते हो तो आपने किसी ना किसी हद तक मैनेजमेंट करनी होती है। तो यानी कि आपके जो अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, आपको लोगों को मैनेज करना नहीं आता, या काफी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होता है ना, आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वो चीज अगर आपको नहीं आती जो कि बिल्कुल आपकी लाइफ स्किल्स में होता है, तो कहीं ना कहीं एक गैप आ जाता है, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे कहीं ना कहीं कैप लगा देते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डिग्री पे फोकस तो करो, आप अपनी जीपीए पे फोकस तो करो, लेकिन लाइफ स्किल्स जो है ना वो भी साथ में इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी कन्वेंशनल स्किल्स है। सो थैंक यू फॉर दैट जावेद। मैं आपको प्रोफेशनल करियर में आपको डेली कोई ना कोई नया चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। वो मतलब एसेट मैनेजमेंट में ही होता है, पीपल मैनेजमेंट भी हो सकता है, आप जो है रेवेन्यू मैनेजमेंट भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ फील्ड से मुख्तलिफ कैरियर्स हैं, हर किसी के अपनी अपनी वो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, तो अगर आप में वही लाइफ स्किल्स नहीं है तो आप उसको चला नहीं सकते, यू विल बी अनसक्सेसफुल। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डिग्रीज एंड जीपीए फोकस तो करें, लेकिन अपने अंदर वो पॉलिशिंग, और वो आई थिंक एक आप एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पार्ट होंगे तो वो आपकी पॉलिशिंग वही पे हो सकती है। ठीक
ठीक सही। शिराज साहब, मैं दोबारा अब आपके पास आऊंगा। हमारी सोसाइटी में अगर आप देखिए ना, तो एक स्टूडेंट जो होता है वो मतलब बैचलर्स अपनी कर लेता है किसी भी फील्ड में हो, उसके बाद जो है फिर कहते हैं कि वो, आपने देखा होगा अक्सर हमारे मतलब इर्द गिर्द जो अपने दोस्तों को अगर हम देखें ना, बैचलर्स के बाद मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, मास्टर्स के बाद जो है पीएचडी में, जब मतलब किसी से आप पूछो कि मास्टर में एडमिशन क्यों लिया, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि भाई मतलब सारे खानदान वाले या इर्द गिर्द लोग पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, तो कुछ जॉब नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने कहा मास्टर कर लेता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। या मास्टर के बाद जो पीएचडी में बंदा जाता है वो भी इसीलिए नॉर्मली लोग करते हैं कि भाई लोग पूछेंगे क्या कर रहा है तो कम से कम किसी को बता सकें क्या कर रहा है। तो मतलब मुझे लगता है यहाँ पे लोग एजुकेशन मजबूरी के तहत जो है ना हासिल कर रहे हैं, शौक से या किसी मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं कर रहे। तो काइंडली आप हमें वो करियर पाथ चूज करने में थोड़ा सा यहाँ पे हमें गाइड करें, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है पीएचडी तक आप पहुंचे, उसके बाद आपने करियर चूज किया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाथ है बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी, इसमें कहीं ना कहीं मतलब बैचलर के बाद बंदे को जॉब करनी चाहिए, फिर जो है मास्टर फील्ड रेलेवेंट चूज करना चाहिए, या उसी के बेसिस पे पीएचडी करना चाहिए, या डायरेक्टली पीएचडी करके डायरेक्ट जॉब, मतलब कहाँ पे इंसान को जॉब एक्सपीरियंस और ये एजुकेशन बैलेंस जो है ना, थोड़ा सा इसको हमें बताइए कि करियर पाथ चूज करने में कैसे स्टूडेंट को जो है ना गाइडेंस मिलनी चाहिए। जी देखिए दानियाल, पहले तो मैं बताता चलूं कि मैंने अपने करियर का आगाज उस वक्त किया था जब मैं सिकॉज़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, ठीक है। पीएचडी जॉब के साथ फिर मैंने की है। 2003 में मैंने बीआईटी कंप्लीट की और 2 साल बीआईटी के बाद फिर मैंने पेशावर में सिकॉज़ डेटा इंस्टीट्यूट में टीचिंग शुरू की। सुबह मैं सिकॉज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, शाम मैं सिकॉज़ डेटा में पढ़ाया करता था। तो देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि जब हमारा स्टूडेंट पास आउट होता है तो वो अनसर्टेन माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है और मास्टर की एडमिशन को एज ए शेल्टर यूज करते हुए कि लोगों के इस सवाल का जवाब दे दे कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ अभी, और उस हकीकत को छुपाने की कोशिश करता है कि भाई अब मुझे मार्केट में जाके फेस करना है। ये हमारी बदकिस्मती जरूर है कि हमारे पास जॉब मार्केट बहुत ही कमजोर है, लोकल मार्केट्स की सिचुएशन तो और ज्यादा खराब होती है। इस्लामाबाद और लाहौर कराची इस तरह की बड़ी सिटीज है, वहां पर भी सिचुएशन नस्बतन बेहतर होती है। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि देखिए, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि पास आउट होने के बाद स्टूडेंट को हरगिज डायरेक्ट एमएस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि स्टूडेंट की लर्निंग वो है जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री में स्टूडेंट ने हासिल कर, एक अच्छी नौकरी के लिए और एक अच्छा जॉब हासिल करने के लिए जो एक बुनियादी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है वो आपको अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री में मिल जाती है, बशर्ते कि वो जो जिस तरह वहाँ उस डिग्री में पढ़ने और पढ़ाने का हक है वो अदा हुआ हो। अगर अच्छे इदारे से आपने पढ़ा हो और अपनी कमिटमेंट भी आपने पुट की हो तो वो बुनियादी एजुकेशन आपको हासिल हो अंडर ग्रेजुएट डिग्री की बुनियाद पे अच्छे से अच्छे मैनेजरियल पोस्ट पे सर्व करना मुमकिन हो जाता है। मास्टर्स और पीएचडी की जो डिग्री है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बोनस फॉर द मार्केट ओरिएंटेड जॉब्स। इंडस्ट्रियल जॉब के लिए मैं तो कहूंगा कि मास्टर्स और पीएचडी की जो है उसकी एमएसए के 20-30% शायद बहुत बड़े जो हायर पोजीशंस होते हैं उस पे थोड़ा सा ये मैटर करे, अदरवाइज टेक्निकल पोजीशंस जितने होते हैं उस पे आपके अंडर ग्रेजुएशन। मेरी सजेशन स्टूडेंट्स को ये होगी कि पास आउट होने के बाद अपने स्किल्स को यूटिलाइज, अपने स्किल्स को पॉलिश करें। पहली बात तो ये है कि ड्यूरिंग द स्टडी इसको आप फोकस करें कि भी मैंने पास आउट होने के बाद क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेशनल हूँ, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अपना करियर चूज करे बाय द आई मे से बाय द एंड ऑफ द 6th सेमेस्टर स्टूडेंट शुड बी कैपेबल टू डिटरमिन वेयर ही और शी हैज टू गो। अब अगर स्टूडेंट वहां से डिटरमिन कर ले कि भाई मैंने मार्केट में जाके जॉब करना है, किस तरह का जॉब करना है, वो तो मे नॉट बी एग्जैक्टली डिटरमिन ड्यूरिंग द स्टडी, लेकिन एक माइंडसेट बन जाता है और उसी को हासिल करने के लिए स्टूडेंट फिर जो है ना कोशिश करे। ये भी जरूरी है कि ऐसा नहीं होता कि पास आउट होने के बाद जो पहली नौकरी मिलती है उसमें आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिले, ऐसा नहीं होता। तो मेरी सजेशन, मैं कंक्लूड अगर करूँ तो ये होगी स्टूडेंट्स को कि पास आउट होने के बाद जहां आप अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करते हैं, डोंट
लुक एट द मनी कि मुझे कितनी सैलरी मिल रही है, आप ये देखें कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपकी फ्यूचर को बनाने में कितना मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आपको एक मुनासिब फोरम कहीं मिलता है आप उसको ज्वाइन करें, अगर आपको फ्री वहां काम करना पड़े तो फॉर सम मंथ्स यू मे गो फॉर द फ्री एज वेल। कुछ अरसे के बाद जब आप अपने आप को स्किलफुल कर लेंगे और स्टूडेंट अपने आप जिन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो फिर बाद में सिचुएशन जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाती है और स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। जहां तक मास्टर्स और पीएचडी का ताल्लुक है तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि अगर यूनिवर्सिटी का टीचर रहना है तो आपको मास्टर्स और पीएचडी करना है। अगर अंडर ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टूडेंट डिटरमाइन कर ले कि भी मैंने यूनिवर्सिटी को सर्व करना है या मैं टीचिंग कम्युनिटी में रहता हूँ तो फिर जरूरी है कि आप जितना ज्यादा जो है ना मुख्तलिफ नौइयत का इलम हासिल करें। मतलब मैं कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल हूँ, अंडर ग्रेजुएट में जो चीजें मैंने पढ़ी है बेसिक नॉलेज मुझे वहां से मिला, अब मास्टर में नॉलेज तो मेरा वही है लेकिन वो लर्निंग मेथोडोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो जो बीइंग अ स्टूडेंट मेरी थिंकिंग होती है उस वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मैच्योर हो जाती है। पीएचडी भी में जाके मजीद जो है ना वो ज्यादा डिफरेंट तरीके से इंसान की जो थिंकिंग है जो आपकी लर्निंग स्किल्स है वो चेंज हो जाती है। तो कंक्लूसिवली टीचिंग कम्युनिटी में रहने के लिए मतलब मार्केट में जाना जरूरी नहीं होता, फिर आप जरूरी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एज सून एज पॉसिबल ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स भी करें पीएचडी। मार्केट में रहने के लिए पास आउट होने के बाद आप मार्केट में जाए इंटर्नशिप करें, आप थोड़ी छोटी नौकरी से शुरू करके बड़ी नौकरी की तरफ अपने अच्छे करियर का पा सकते हैं। ठीक है यार, बिल्कुल डॉक्टर शराज साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि आपने लाइफ में कौन सा करियर पाथ चूज करना है, उसी के मुताबिक आप अपनी एजुकेशन या अपनी जो स्किल्स हैं उसी को डेवलप करें। अगर आपने रिसर्चर बनना है या रिसर्च कम्युनिटी का हिस्सा बनना है फिर तो आपको यही लाइन जो है मास्टर्स या पीएचडी, क्योंकि एट द एंड आपने बनना ही रिसर्चर है और ये पूरा जो काम है ये भी रिसर्चर्स का ही होता है। या तो अगर आपने इंडस्ट्री में काम करना है तो मतलब आप उस साइड के स्किल सीखें। तो जाबिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा से इसी से मिलता जुलता होगा लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आप थोड़ा सा मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से या मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से हमें बताएं कि जॉब हंटिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए। मतलब नॉर्मली अगर आप हमारे यहाँ पे स्टूडेंट का अप्रोच अगर आप देखो ना तो वो क्या होती है कि हम बैचलर्स पहले करेंगे उसके बाद जो है थोड़ा सा सुकून से आराम से 5-6 महीने या 1 साल हम आराम से बैठेंगे उसके बाद जाके कहीं जो है हम फिर अप्लाई वगैरह स्टार्ट करेंगे। क्या आपको ये लगता है कि ये सही अप्रोच है कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी हमारे पास इतनी मुख्तलिफ किस्म की प्लेटफॉर्म्स ओपन है, जैसे फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, आप जो है छोटे मोटे गिग्स कर सकते हो या बाकी सर काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जॉब हंटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? जी मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा वेस्ट हुआ है 1.5 ईयर, वो कुछ पर्सनल इश्यूज थे, वो इस तरह थे कि मतलब एक माइंड सेट बना हुआ था, जिस तरह शीरा साहब ने कहा कि आपने माइंड सेट बनाना है अपने लिए कि मैंने ये करना है और एट द वेरी स्टार्ट ऑफ 6 या 7 सेमेस्टर आपने अपने लिए जॉब हंटिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए। आई एग्री विद डॉक्टर साहब। तो जैसे ही आप कंप्लीट आपका हो जाए ग्रेजुएशन तो मतलब आप पहले से ही आपका माइंडसेट भी बना हो कि मैंने इस जगह पर जाना है, लेकिन माइंडसेट इस तरह ना बनाए। मैं अपना पर्सनल थोड़ा सा वो करूंगा, मेरा माइंडसेट अलोंग विद माय कोलीग्स, अभी कोलीग्स हैं उस वक्त जो क्लास फेलोज थे उनका था कि हम जब जॉब करेंगे तो हम ऐसी वैसी जॉब नहीं करेंगे क्योंकि हम तो इसी कॉज से हम पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम मार्केट लीडर्स होंगे। तो हम माइंडसेट में ये था कि एटलीस्ट 6 figures की सैलरी अगर हो, ये पर्सनल जो हमारे एक्सपीरियंसेस है मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, कम से कम 6 figure की सैलरी एट द स्टार्ट हो तो हम उस जॉब में एन करेंगे। जब हम आ गए ग्रेजुएशन हो गई तो मार्केट इज टोटली डिफरेंट, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो वो टोटल आपकी जो इमेजिनेशन है और जो माइंडसेट है वो टोटल डिफरेंट है। अब हम बैठ गए जी कि हमने तो मामूली ऐसी एरी गेरी जॉब करनी नहीं है, तो उस वजह से मेरा अपना 1.5 साल जाया हुआ है। 14 के वेरी स्टार्ट में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और हमें ऑफर्स जो होती थी फ्रीलांसिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम करते,
कि नहीं जी, हमने तो इतनी मेहनत की है, जीपीए इतना जीपीए आए हमारा 3.97, हम तो एरे एरे जॉब भी नहीं करेंगे ना फ्रीलांसिंग करेंगे, हमें तो सिक्स फिगर्स की एक सैलरी चाहिए। इसी में हमारा 1.5 साल जाया हुआ, जो अभी भी मुझे बहुत अफसोस है उसका। फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, मार्केट को देखा, सर्च किया, करते गए रुलते गए, तो आखिर मैं एट द लोवेस्ट जो थी उस पर राजी हो गए कि जी बस कुछ ना कुछ तो करना ही है। 1.5 साल हो गए ऐसे ही पड़े हुए, मतलब वो रिलैक्स भी हो गए और मजे भी कर लिए जितने करने थे 1.5 साल में। तो बहुत ही लोवेस्ट से स्टार्ट कर लिया मैंने, मेरे कुछ और भी जोसी कॉज किए दोस्त थे, और अब माशाल्लाह अब हम आफ्टर 5 ईयर्स में ये कह सकते हो कि अभी 6 फिगर्स में आ गई है। तो अगर मैं स्टार्ट में उसका वेट करता तो अभी भी मैं ऐसे ही पड़ा रहता, अभी भी ना कोई जॉब होती। शिराज साहब ने कहा कि मार्केट जो है, मैं इनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, टोटली डिफरेंट है। आप मतलब उस पर्सपेक्टिव से अगर आएंगे कि जी मैं तो लाइक हाईएस्ट पे जाऊंगा और मैंने जीरो पोजीशन पे डायरेक्ट, तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आपने जीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपने माइंड सेट पहले से ही बनाना है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। आपने डायरेक्ट जो है एक अपने लिए एक अपर लिमिट नहीं रखनी, स्टार्ट जीरो से करना। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये आफ्टर सम टाइम कुछ सालों बाद आप अपनी जो आपकी डिजायर्ड पोजीशन थी तो उस पर आप पहुंच सकेंगे, दिस इज द ओनली वे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब स्टार्ट तो कहीं से लेना होता है ना, मतलब कहीं ना कहीं आप स्टार्ट लेंगे, जाहिर सी बात है। आप अगर आपकी बात को मैं शॉर्ट करूँ ना, तो मैं समझता हूँ आप ये इस चीज में अगर हम देखें ना, हम हमेशा एंड गोल को देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमने डायरेक्टली बैठना है, कहीं ना कहीं हम वो प्रोसेस को मिस कर रहे होते हैं। तो मैंने जितना अपने मेंटोर से या पढ़े लिखे लोगों से सीखा है, वो कहते हैं भाई आप एंड रिजल्ट पे फोकस ना करो, आप प्रोसेस पे फोकस करो, यानी प्रोसेस को फिर आप स्टेप बाय स्टेप ना डिवाइड करो, छोटे छोटे टारगेट्स के फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस पूरे में जो आपकी लर्निंग होती ना, फिर जब आप उस मकाम तक पहुंचते जो आपने डिजायर किया था, तब आप वो डिजर्व भी करते हो, आपने वो स्किल्स भी गेन किए होते हैं, तब आप, क्योंकि जब आप उस मकाम तक पहुंचते हो, जब आप मैनेजर बनते हो या डायरेक्टर बनते हो, तो आपके अंडर टीम होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने खुद एज एक प्रोसेस से आप नहीं गुजरे, तो आपको नहीं पता होता कि कौन से लूप होल्स होते हैं, क्या क्या चीजें टेक्निकलिटीज होती हैं, कैसे टीम को हैंडल कैसे करना है। तो मतलब आई बिलीव दैट्स अ ब्रिलियंट अप्रोच टू एनी करियर, कि आप पहले प्रोसेस से गुजरो, फिर जो है ना आप रिजल्ट ओरिएंटेशन या रिजल्ट ओरिएंटेड बनो। तो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा, जब आप प्रोसेस से गुजरेंगे और आप एक मैनेजरियल पोजीशन पर होंगे, तो जो आपके सबोर्डिनेट्स होंगे ना, वो कभी आपको धोखा फिर नहीं दे सकते। बिल्कुल, आप ऑलरेडी उस प्रोसेस का हिस्सा कभी थे, आपने उस तरह के एक्ट्स किए होंगे, आपने भी किसी को धोखा दिया होगा अपने मैनेजर्स को, मतलब धोखा में नॉट इन अ बैड सेंस कह रहा हूँ, ये हमारे प्रोफेशनल में थोड़ा बहुत तो हम वो गोली दे देते हैं। Exactly. तो मतलब अगर मैं उससे प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ और वो सारी चीजें मैंने की हुई है, मैंने अपने मैनेजर्स को या अपर मैनेजमेंट को किसी ना किसी तरीके से उनको वो किए हुए हैंडल किए हुए, फिर जब मेरी टीम मुझे करेगी तो हंसी आती है फिर हमें, यार ये तो वही हो रहा है जो मैंने किया था, तो फिर हम उसको हैंडल कर सकते हैं आसानी के साथ, हम उसको हैंडल करेंगे। तो वही आपकी बात की, प्रोसेस इज द मेन थिंग, और एक प्लांट जब एक पौधा जब ग्रो करता है तो वो डायरेक्टली नहीं बढ़ता, उसकी रूट्स होती है, छोटी छोटी रूट्स होती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और वो फिर अपना वो एक मकान बना लेती है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एसी पे बिल करते हुए मैं आपके पास आऊंगा, आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखे ना, तो वो काफी मुश्किलात से लाइफ में गुजरा होता है, काफी फेलियर्स उसने फेस किए होते हैं, कहीं से मतलब किसने टुकरा दिया, दूसरी जगह जो है ना उसने वो फेल हो गया कहीं ना। तो अक्सर मैंने जितने सक्सेसफुल लोगों को देखा है, वो हमेशा मतलब उनमें कॉमनैलिटी मैंने ऑब्जर्व की है, तो कहते हैं कि यार शुक्र है कि मैं वहां पे फेल हुआ, इसीलिए मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ। यानी फेलियर का कोई ना कोई रोल है सक्सेस में, तो आप थोड़ा सा काइंडली बताएं कि
फेलियर का कितना रोल है सक्सेस में, या आपके लाइफ में कभी आपने फेलियर फेस किया है और उसको आपने कैसे टैकल किया है? फेलियर, एवरी फेलियर टीच समथिंग, ठीक है? और एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना, ही इज वेल एक्सपीरियंस और शी इज वेल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इन्हीं फेलियर्स और सक्सेसेस की कॉम्बिनेशन। ये तो शायद एक गैर फितरी बात हो, कोई इंसान सारे जिंदगी में सिर्फ कामयाबियां ही देखते रहे, तो फेलियर्स डेफिनेटली अकर होते हैं। बीइंग इंसान अपनी जिंदगी में माइलस्टोन्स अपने लिए सेट करते हैं, उसको अचीव करने के लिए मेहनत भी करता है अपनी। देखिए, कुछ चीजें इंसान की अपनी ज़ात पे होती हैं और इंसान हो रहा है अपने आप से एक्सपेक्ट करता है कि मैंने इसको अचीव करने के लिए, अपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अपनी भरपूर मेहनत जो है ना करनी है। बस इतनी सी बात है कि इंसान खुद इतनी मेहनत करे ना कि किसी मकाम पे पहुंच के, चाहे वो नाकाम क्यों ना हो, अपनी जात से गिला ना हो कि मुझसे रह गया ये, ठीक है? जरूरी नहीं कि आपकी जिस डायरेक्शन में आप मेहनत करते हैं आप वहीं पे पहुंच जाए। ये बात जरूर है कि मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती। आप अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर किसी पोजिशन पे नहीं पहुंचते तो अल्टरनेट उससे अच्छे पे पहुंच जाए, ठीक है? लेकिन जिस वक्त इंसान मेहनत कर रहा होता है उस वक्त रियलाइज नहीं कर पाता, बाद में जब किसी पोजीशन पे पहुंचता है तो रियलाइज करता है कि ये तो अल्लाह ने मेरे लिए उससे अच्छा जो है ना देखा था। मैं अपनी बात करूं, मैं जब हायर सेकेंडरी पढ़ रहा था तो बहुत ज्यादा जज्बा था कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर बनूं। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने दो अटेम्प्ट भी किए कि मैं मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाई करूँ, बहुत थोड़े मार्जिन पे जो है ना मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो सका। दैट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, बट देन अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने हिम्मत दी, एंड आई असेंबल्ड माई सेल्फ। आई टी कभी सोचा भी नहीं था, बट उस वक्त की मार्केट का एक इमर्जिंग ट्रेंड था, दाखिला लिया। इवन सिकाज में जिस वक्त मैं दाखिला ले रहा था तो क्योंकि बहुत ज्यादा मैं उस वक्त बिखरा हुआ था मेंटली मेडिकल से रहने की वजह से, तो जब मैंने एंट्री टेस्ट किया तो 50 नंबर से मेरा एंट्री टेस्ट पास हुआ था। और मुझे उस वक्त वहाँ का जो क्लर्क था उसने कहा था कि शायद आप आई टी में ना चल सकें, ठीक है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शुरू किया, आई स्टूड फर्स्ट इन द फर्स्ट सेमेस्टर एंड देन आई केप्ट ऑन, आई कैरी ऑन विद दैट, एंड आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट इन माय बैचलर, आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन माय मास्टर्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी ब्रिलियंट एंड अ वेरी चॉम्फुल पास्ट एट सिकाज, और बड़ी एक चॉम्फुल जिंदगी वहां रही, वहां बड़े अच्छे साथ अल्लाह ने दिए मुझे। और मींस देखें, मैंने भी मेहनत की, असाज़ा भी मुझे अच्छे मिले, इदारा भी मुझे अच्छा मिला, अल्लाह की मदद भी साथ रही, आगे बढ़े। और मतलब इस पोजीशन पे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पीएचडी करूँगा, ठीक है? लेकिन यह है कि वक्त के तकाजों को सामने करते हुए फिर इन टाइम फैसला करना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। इवन जब मैं मलेशिया चला गया तो मैं अपने सेल्फ फाइनेंस में इनिशियली गया था यूनिवर्सिटी मलाय में दाखिला लेने के, फिर वहाँ थोड़ी सी मेहनत के बाद अल्लाह ने इतने मौके दिए कि I was in position to choose कि भी मैं कौन सा scholarship अपने लिए choose कर सकूं ताकि उसमें जवाब मिल सके। तो मैं अपनी discussion को अगर conclude करूं तो बाकी कहते हैं ना, तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले। अपनी तरफ से वो करेंगे जो हम कर सके, और जरूरी नहीं कि हम मेहनत करें और हमें वही आउटकम भी मिले, क्योंकि एक मुसलमान की हैसियत से ये हमारा ईमान है, हम मुकद्दर के पाबंद हैं। ईमानदारी के साथ मेहनत, पेशेंस और लक, ये तीनों चीजें मिलके इंसान को मुकद्दर बनाते हैं। लेकिन ये हमारा ईमान है कि जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको जाया नहीं करेगा। दूसरी अहम बात ये है कि खुद पढ़ना है, खुद मेहनत करनी है, अपनी जात के लिए करना है और अपने मुस्तकबिल के लिए, ठीक है? बैसाखियों का सहारा लेंगे, इस माइंड सेट के साथ रहेंगे कि मेरा रेफरेंस नहीं है, या इस माइंड सेट के साथ जो है ना स्टूडेंट लाइफ गुजारेंगे कि मेरा तो बड़ा मजबूत जो है ना जेक है, मैं तो उससे आगे बढ़ सकूंगा, तो शायद रेफरेंस की बुनियाद पे किसी पोजीशन पे ओहदा तो मिल सके, लेकिन उस ओहदे के डिमांड्स और उसके तकाजों को पूरा करना फिर इंसान की बस की बात नहीं। बस मैं आखिर में ये शेयर कहता हूँ, सफीना ऐसे लोगों का सहारा जो किसी का लेते, सहारा जो किसी का लेते हैं बहर हस्ती में, सफीना ऐसे लोगों का हमेशा डूब जाता है।
बिल्कुल, सक्सेस जो है हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है, सबकी सक्सेस एक जैसे नहीं होती है, हर किसी का अपनी जिंदगी का टाइमलाइन जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो अब आई कंप्लीटली एग्री विद यू डॉक्टर साहब के जो है डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, और फेलियर का बहुत बड़ा रोल होता है जैसे कि आपकी लाइफ में, ताकि मेडिकल आपके जहन में था लेकिन आप completely different field mein aa gaye IT mein, aur mashallah right now you are successful in that particular field. So with this hamara time abhi complete ho chuka hai. So thank you very much Dr. Saab and Jabir for joining us today, and thanks to all the viewers jo ki hame unhone join kiya aaj. I hope ki aap logo ki thodi si learning hui hogi iski webinar se. So with the same passion we'll back to continue our webinar series after the Eid inshallah. Thank you very much. Allah hafiz, aur apna khayal rakhiyega. Hello, officer.